जितना स्नेहा से के अभी ये आधा है मेरे और ये आधा है तो, इधर सा है मेरा और मंद्र सप्तक सप्तक जो होता है वो हम चार या पांच सुर उसके लेते हैं। ये हो गया फिर ये बीच वाला सप्तक आगे का सप्तक दिखाना। तो हर हर बॉल के लिए हर सुर के लिए एक बॉल होता है और जब मैंने बजाना शुरू किया तो उसपे काफी सारे चेंजेस किए। तो ये जो स्टिक्स देख रहे हैं आप ये जी पहले जी तो लकड़ी की होती थी अब ये सॉलिड नायलॉन है और इसको मैंने सर्जिकल टेप से किया है कोट किया है। ये इससे क्या हुआ टोनल क्वालिटी में फर्क पड़ गया और स्टिक्स बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती। लकड़ी के स्टिक्स तो टूट जाती थी एक आध प्रोग्राम में खत्म हो जाती थी। अभी ये नायलॉन की रॉड से तो इससे टोन भी एक जैसा रहता है और बहुत साल तक ये चलती है नायलॉन के। अभी इसमें और एक स्टिक है जो हेवी टोन के लिए इसमें मैंने आपको दिख रहा है ये केबल का एक टुकड़ा इसमें लगाया हुआ है। साउंड में भी फर्क इसका जो दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा कम गेज से कम स्पीड के लिए करते हैं। और लास्ट एक स्टिक मैंने एक 1.5 साल पहले बनाई वो है जिसमें जलतरण में कभी जो चीज हुई नहीं वो इसमें होती है। तो ये पहले कभी हुआ नहीं चलता है जो कंटिन्यू साउंड है। हाँ ये जो अभी आपने किया क्या ये जिसे जिसको शास्त्रीय गायन में मींड कहते हैं या कुछ के हाँ उसी का ये प्रकार है? तो ये जिसको मींड जो बोलते हैं जो एक सुर में बिना कटे दूसरे सुर में जाना तो अच्छा मींड हम इस पे ऐसे इस तरह कर सकते हैं। सा ये सा है ये है नहीं मीन लेकिन ये जो कंटिन्यू किया जैसे हम हारमोनियम पे ऐसे कंटिन्यूअस बजा सकते हैं फ्लूट पे बजा सकते हैं जी जी वोकल जी में अच्छा अच्छा बस अच्छा हमने समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ तो ये पहली बार हुआ है जलतरंग में और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो है ये जी हर बॉल के लिए एक बना हुआ है कॉरूगेटेड प्लास्टिक का और इससे ये होल्ड करता है बॉल को इतना पक्का और हर बॉल के नीचे है आपको दिखाई देगा ये जो ब्लैक कलर में हाँ जी दिख रहा है। अच्छा और वो सब उसका एडजस्टमेंट ऐसा है कि सब एक में ऐसे फिक्स हो जाते हैं अटक जाते हैं पूरे तो जितना कम हिलेगा उतना सुरीला बजेगा जलतरंग क्योंकि हिलने के बाद वो पानी में जितनी लहर आएगी उतने देर तक वो जैसे हम गमक बोलते हैं ये जो हिलने के बाद उसका बेसुरापन है वो बंद हो गया ये कॉरूगेटेड सीट्स है ये सीट्स है। और अभी क्या हुआ है तो अभी कोई भी स्टेज पे हम प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हैं इतना उसमें चेंजेस और इतने सारी चीजें मैंने मेरे नाना जी ने शुरुआत की और आगे मैंने उसको बढ़ाया। और ये जो आप तो मेरा बॉल का कलेक्शन देख रहे हैं ये मेरे नाना जी का है और करीबन 80-85 साल उसको हो गए। मैं लास्ट 33 ईयर से मैं ही बजा रहा हूँ ये सेट। तो ये सारी चीजें हैं।